जय किसान फसल ऋण माफी योजना कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर प्रदेश सरकार ने अपना वचन पूरा किया है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी शिरकत की। प्रदेश सरकार के मंत्री ने अपनी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का विवरण देते हुए गत 365 दिनों में वचन पत्र में दिए गए 365 वचन पूरे करने का दावा किया। आगे बोलते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने बताया कि प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करते हुए प्रदेश सरकार ने अपना कार्य बखूबी निभाया है। उन्होंने कहा कि किसान संपन्न होगा तो देश व प्रदेश भी खुशहाल होगा। किसानों की कृषि लागत कम कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने किसानों के बिजली बिल की राशि आधी करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के अधिकांश किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तथा खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने की। प्रभारी मंत्री सिलावट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा कर उन्होंने खंडवा शहर की नर्मदा पेयजल पाइपलाइन व्यवस्था में सुधार के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा दिए हैं। साथ ही खंडवा में मातृ एवं शिशु उपचार के लिए 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए भी प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने हाल ही में स्वीकृत किए हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव तथा पूर्व सांसद ताराचंद पटेल, मानधाता विधायक नारायण पटेल, कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह, पुनासा की जनपद अध्यक्ष गुंजाबाई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओंकार पटेल व इंदल सिंह परवार मौजूद रहे। पहली बार जब देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने पूरे देश के किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया। और दूसरी बार अगर मध्य प्रदेश में किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने लिया। मेरे साथ एक भी किसान पर वसूली करने वाला क्या एक भी केस बना? ये जो सरकार बोलती है वो करती है। तीसरा मुद्दा था किसानों की फसल का उचित दाम मिले, क्योंकि जितने बैठे हैं मेरे अन्नदाना में अरुण यादव जी, तुलसी सिलावट, नारायण पटेल, मुख्यमंत्री जी चौपाल पर जाते थे और साथ ही साथ अगर प्रथम चरण में जिन किसानों के काला दिन खाते थे अगर वो किसी कार्यवर्ष रह गए हैं तो उनको भी त्रुटियों को दूर करके उनको भी ऋण माफी के लिए। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं पहले तो उनसे पूछिए उनके परिवार के लोगों का ऋण माफ किया हो, वो सारी मैं प्रमाण के मैं सबूत की देने का काम मैं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी को ऋण माफी को लेकर के कोई आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने हमेशा चाहे वो 50,000 की ऋण माफी की बात कही हो, चाहे किसानों को 15 लाख रुपए उनके खाते में डालने की बात कही हो, चाहे सुई से लेकर ट्रैक्टर तक की कर्जा माफी की बात कही हो, एक भी वादा जो है इन्होंने किसानों को पूरा नहीं किया है। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।